एक अच्छा सा वो म्यूजिक बजता है तो नमस्कार दोस्तों मीटू मैं यूट्यूब चैनल दोस्तों आप सभी को दोस्तों दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं दोस्तों और दोस्तों आज की इस वीडियो को दोस्तों मैं आपको बताने वाला दोस्तों कि आप अपना जियो फोन में अपनी फोटो को दिवाली के हिसाब से कैसे एडिट कर सकते हैं दिवाली का फ्रेम कैसे लगा सकते हैं दोस्तों दिवाली एडिट कैसे कर सकते हैं अपने जियो फोन में दोस्तों बहुत ही सिंपल है दोस्तों बहुत ही मज़ा आने वाला है आज की इव, इस वीडियो में दोस्तों तो एंड तक जरूर बने रहिएगा वीडियो पे दोस्तों सबसे पहले आपको अपना ब्राउजर ओपन करना है और दोस्तों यहाँ पे मैं अभी स्क्रीन में कुछ लिखूंगा दोस्तों उसी को आपको अपने जियो फोन में सर्च कर लेना है दोस्तों तो दोस्तों मैं अपने जियो फोन में यहाँ पे टाइप कर लिया हूँ यहाँ पे स्क्रीन पे आप देख सकते हैं इसी को आपको सर्च करना है हैप्पी दिवाली फोटो एडिट उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करना है दोस्तों एक वेबसाइट का नाम बताऊंगा दोस्तों सिंपली आपको उसी में क्लिक करना है दोस्तों तो उस यहाँ पर मैं थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे देख लेता तो लेते हाँ दोस्तों यही वाली साइट है दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं हैप्पी दिवाली ग्रीटिंग विथ नेम एंड फोटो दोस्तों यही वाली साइट आपको ढूंढनी है दोस्तों कभी कभी ऊपर में मिल जाती है यहाँ पे थोड़ा सा इस बार नीचे आना पड़ा दोस्तों आपको यही वाली साइट ढूंढनी है दोस्तों इसमें आपको क्लिक करना है और इस साइट में आने के बाद दोस्तों आपको कोई ऑप्शन में क्लिक नहीं करना है सबसे पहले आपको व्यू ओरिजिनल वाले ऑप्शन में यहाँ पे देख सकते हैं जो ऊपर साइड में है इसमें आपको क्लिक करना है इसकी ओरिजिनल पेज में जाना है दोस्तों इस वेबसाइट के और दोस्तों ओरिजिनल पेज में जाने के बाद दोस्तों आगे का प्रोसीजर मैं बताऊंगा तो दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा लोडिंग होने में टाइम लग रहा है यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इस तरह से लोडिंग होगा दोस्तों यहाँ पे आपको एक नया इंटरफेस ओपन होगा यहाँ पे बर्थडे फोटो फ्रेम लिखा है दोस्तों इसे मत पढ़िएगा दोस्तों यहाँ पे सिर्फ बर्थडे फोटो फ्रेम लिखा है यहाँ पे बर्थडे से रिलेटेड फोटो फ्रेम नहीं मिलेगी दिवाली से रिलेटेड मिलेगी यहाँ पे आप देख सकते हैं नीचे स्क्रॉल करके स्क्रीन को छोटा कर लीजिएगा यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरी दिवाली से रिलेटेड दोस्तों आपको फ्रेम देखने को मिल रही है दोस्तों यहाँ पे आपको बहुत बढ़िया बढ़िया दोस्तों फोटो फ्रेम देखने को मिलेगी यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पे बीच में आपको फोटो हेयर करके भी लिखा होगा मतलब यहाँ पे आपको बता रहे हैं कि दोस्तों यहाँ पे आपकी फ़ोटो जो है वो लगेगी एडिट करने के बाद दोस्तों आपको कोई भी एक फ्रेम सेलेक्ट कर लेना मैं ये वाली सेलेक्ट कर लेता तो हूँ मुझे थोड़ी अच्छी लग रही है ये वाली यहाँ पे सेलेक्ट करने के बाद थोड़ा सा लोडिंग में टाइम लगा ज़्यादा टाइम नहीं लेगा वैसे यहाँ पे बस लोडिंग हो ही आपको स्क्रीन छोटा करना है उसके बाद दोस्तों नीचे स्क्रॉल करते जाना है यहाँ पर मैं भी स्क्रॉल कर लेता हूँ नीचे यहाँ पे आप देख सकते हैं वही वाला फ्रेम यहाँ पे आ चुका है दोस्तों और यहाँ पे आपको नीचे देख सकते हैं आपको बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं दोस्तों अभी बहुत ही मजा आएगा हमें एडिट करने में दोस्तों यहाँ पे चलिए मैं बताता हूँ यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन है यहाँ पे चूज फोटो का दोस्तों यहाँ पे पहले आपको कोई फोटो सेलेक्ट कर लेने दोस्तों अपने जियो फोन से इसमें आप क्लिक करेंगे तो उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको ब्राउज वाले ऑप्शन में क्लिक करना है यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे कैमरा वाल पेपर तो आपको गैलरी से भी सेलेक्ट कर सकते हैं तो मैं अभी गैलरी से सेलेक्ट कर लेता हूँ कोई फोटो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं एग्जाम्पल एग्जाम्पल के लिए दोस्तों ये वाली फोटो सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे जैसे आप फोटो यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे उसके बाद यहाँ पे क्लिक टू अपलोड वाले ऑप्शन में क्लिक करना है दोस्तों यहाँ पर आप जैसे आप इस ऑप्शन में क्लिक करेंगे यहाँ पर देख सकते हैं हंड्रेड परसेंट मतलब वहाँ पे लोडिंग दिखा दिया है लेकिन थोड़ा सा आपको यहाँ पे वेट करना पड़ेगा दोस्तों जो आपकी फोटो है वहाँ पे वो अपलोड करेगा यहाँ पर थोड़ा सा बस टाइम लेगा यहाँ पे थोड़ बस थोड़ा सा आपको इंतजार करना है बाकी दोस्तों वीडियो को अच्छे एंड तक देखेगा तो यहाँ पे देख सकते हैं जैसे आपका लोडिंग खत्म हो जाएगा यहाँ पे नीचे में आपको एक ऑप्शन दिखेगा यहाँ पे मैं जूम करके आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे थोड़ा सा जूम कर देता हूँ मैं यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखेगा दोस्तों सेलेक्ट फोटो दोस्तों यही फोटो आपने अपलोड की थी दोस्तों हमने अपलोड दो की थी तो इसी को सेलेक्ट करते हैं और देख सकते हैं यहाँ पे लग चुकी है दोस्तों हमारे जो फोटो है दोस्तों यहाँ पे हम दोस्तों आप एडिट करेंगे दोस्तों अच्छे से आपको रोटेट करके दिखाऊंगा दोस्तों जूम और जूम इन और जूम आउट करके दिखाऊंगा दोस्तों हर एक चीज बताने वाला हूँ यहाँ पे आपको देख सकते हैं पहले आपको रोटेट करना है तो दोस्तों ये जो एरो वाला निशान है दोस्तों उसमें आपको क्लिक करना है यहाँ पे थोड़ा सा स्क्रीन और छोटा कर लेता हूँ मैं यहाँ पे यहाँ पे रोटेट वाले ऑप्शन में क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं जितने बार आप उसमें क्लिक करेंगे धीरे धीरे रोटेट होते जाएगा दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से रोटेट होएगा और यहाँ पे दोस्तों आपका ऊपर तो तो दोस आप नीचे भी कर सकते हैं है अपनी फोटो को यहाँ पे नीचे आपको एरो दिखेगी दोस्तों ऊपर वाली एरो में क्लिक करेंगे दोस्तों देख सकते हैं कुछ इस तरह से दोस्तों ऊपर नीचे होगी आपकी फ़ोटो दोस्तों यहाँ से आप बिल्कुल रोटेट कर सकते हैं ऊपर नीचे कर सकते हैं अपनी फ़ोटो को दोस्तों दोस्तों आप यहाँ पर जिस भी एरो में क्लिक करेंगे उस हिसाब से आपका जो फोटो है उस डायरेक्शन में जाएगा दोस्तों उस हिसाब से आप एडिट कर सकते हैं दोस्तों यहाँ पे दोस्तों ये सब आपको फीचर देखने को मिल जाते हैं रोटेट से रिलेटेड और अप साइड डाउन साइड वाले फीचर से रिलेटेड आपको सब आप देखने को मिल जाते हैं दोस्तों उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको जूम इन और जूम आउट का भी फीचर दिख जाता है दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके बारे में मैं बता देता हूँ यहाँ से आप दोस्तों फोटो को जूम और जूम जूम आउट और जूम इन भी कर सकते हैं दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं थोड़ा बड़ा छोटा कर सकते हैं अपनी फोटो को एडजस्ट करने के लिए दोस्तों उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको नीचे एक और ऑप्शन मिलता है दोस्तों यहाँ पर आप कुछ भी टेक्स्ट ऐड करना चाहते हो अपने फ़ोटो में तो कर सकते हैं दोस्तों यहाँ पे मैं नॉर्मली दोस्तों कुछ भी टेक्स्ट है ऐसे लिख देता हूँ आपको बताने के लिए ए बी सी आप कुछ भी लिख सकते हैं अपना नाम भी डाल सकते हैं दोस्तों यहाँ पे एक और ऑप्शन ये देखने को मिल जाता है उसके बाद दोस्तों आपका जो फोटो है यहाँ पर अगर फुल्ली एडिट हो चुका है दोस्तों अच्छे से फ्रेम में लग गया उसके बाद आपको दोस्तों सेव कर रहे हैं दोस्तों तो चलिए सेव करने का प्रोसीजर बता देता हूँ दोस्तों मैं यहाँ पे आपको नीचे में सेव फोटो करके एक ऑप्शन मिलेगा दोस्तों इसमें आपको क्लिक करना है दोस्तों और थोड़ा सा बस वेट करना है दोस्तों यहाँ पे एक बार आपको बस इस सेव फोटो वाले में क्लिक कर देना है दोस्तों उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा वेट करना है जो आपका जो फोटो एडिट किया दोस्तों आप वो सेव होने में थोड़ा टाइम लगता है थोड़ा सा बस टाइम लगेगा उसके बाद दोस्तों नया इंटरफेस ओपन होगा दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे अचानक से फिर लोडिंग स्टार्ट होगा उसके बाद नया इंटरफेस ओपन होगा दोस्तों सेफ़ फ़ोटो में क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे बस थोड़ा सा वेट करना है दोस्तों यहाँ पे मेरा नेट थोड़ा स्लो चल रहा है करके लोडिंग थोड़ा धीरे हो रहा है बाकी दोस्तों अभी बहुत ही मज़ा आने वाला है अभी ये जो फोटो है हमारे सेव भी हो जाएगी हमारे जियो फ़ोन में दोस्तों यहाँ पे डाउनलोड करके दिखाऊंगा फोटो को यहाँ पे देख सकते हैं फिर कुछ इस तरह का नया इंटरफ़ेस ओपन होगा दोस्तों उसके बाद आपको यहाँ पे थोड़ा सा स्क्रीन छोटा करके दोस्तों नीचे आना है और उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पे थोड़ा सा मेरा फोटो लोडिंग नहीं है दोस्तों मेरा थोड़ा नेट स्लो चल रहा है यहाँ पर आपको देख सकते हैं नीचे भी ऑप्शन मिल जाते हैं दोस्तों एक डाउनलोड का ऑप्शन आपको दिख रहा होगा यहाँ पे आपको रीक्रिएट का भी ऑप्शन मिल जाता है अगर आप फोटो को फिर से एडिट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं बाकी दोस्तों अगर आपको डाउनलोड करना है तो डाउनलोड वाले ऑप्शन को क्लिक करेंगे तो दोस्तों देख सकते हैं तुरंत एकदम डाउनलोड हो जाएगा यहाँ से आप मैं आपको क्लिक करके दिखा देता हूँ यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों यही फोटो मैंने एडिटेड थी अभी दोस्तों ये डाउनलोड भी हो चुकी है बाकी दोस्तों आपको वीडियो कैसे लगी दोस्तों कमेंट करो जो बताएगा दोस्तों और कमेंट में सब हैप्पी दिवाली लिख के जरूर जाएगा दोस्तों आप लोगों को फिर से वन हैप्पी दिवाली और दोस्तों वीडियो को जरूर से लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करना ना ना धन्यवाद